हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रसोई की कहानी। कुछ झटपट से बनाना हो, क्विक इजी स्नैक रेसिपी मॉर्निंग के लिए या इवनिंग स्नैक्स के लिए या फिर लाइट डिनर के लिए, तो आप ये बना सकते हो। ये बहुत जल्दी और इजीली बन जाती है। मैंने कुछ वेजीज ली है, जैसे कि कैप्सिकम, प्याज, छोटा पत्ता गोभी का टुकड़ा और गाजर। आपके पास जो भी वेजीज अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो। इसके लिए एक बाउल ले लीजिए, उसमें हंकड़ डाल दीजिए और इसे अच्छे से फेंट लीजिए ताकि कोई भी लम्स ना रहे। ये मैंने घर पे ही हंकड़ बनाया है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस मसलिन क्लॉथ में दही को 1 से 1.5 घंटे के लिए बांध के रख देना है और 2 प्रोसेस्ड चीज क्यूब लिया, इसे ग्रेट कर लेंगे। आप चाहिए तो चीज स्किप भी कर सकते हो अगर आपको हेल्दी खाना है तो। साथ में थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स, चिली फ्लेक्स डालकर जो भी हमने वेजेस ली थी उसे मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में। अब इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हो। थिक सा बैटर बनाना है हमें। इसके लिए हमें ध्यान देना है कि सॉल्ट हम पहले से ऐड ना करें। इसके लिए देखिए मैंने मसाले सारे ऐड कर दिए, जो भी आपको चाहिए आप डाल सकते हो। आप जब बनाओगे तभी सॉल्ट ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हमने चीज यूज किया तो इसका ध्यान रखिए कि उसमें भी सॉल्ट रहेगा। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसकी सैंडविच बना लेते हैं। ब्रेड लीजिए और इसको बटर लगा दीजिए। मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है, आप कोई भी ब्रेड का यूज कर सकते हो इसके लिए। और थोड़ी सी चटनी लगा देंगे दोनों ब्रेड पे। आपके पास अगर चटनी ना हो और आप इंस्टेंटली बनाना चाहते हो तो आप शेजवान सॉस, पिज्जा पास्ता सॉस या घर पे आपके कोई भी सॉस अवेलेबल हो आप उसका भी यूज कर सकते हो। ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगेगी उसमें भी। और ये जो हमारा हंकड़ का मिश्रण है उसे हम स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से लेवल अप कर देंगे ताकि अच्छे से टोस्ट हो। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। और इसको वापस से ऊपर से भी बटर लगा देंगे ताकि अच्छे से टोस्ट हो जाए। ये काफी कम बटर में भी आप बना सकते हो। आप चाहिए तो अंदर बटर स्किप भी कर सकते हो। अब हम टोस्टर को थोड़ा गर्म कर लेंगे और बटर से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और सैंडविच को रख देंगे। ये काफी हेल्दी ऑप्शन है। ये जनरली सैंडविच मेयो के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है, बट अगर आप थोड़ा हेल्दियर चाहते हो तो आप ऐसा हंकड़ के साथ बनाओगे तो हेल्दी भी रहेगी, टेस्टी भी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। आपको जिसको भी शेयर करना है, जिसको आपको लगता है कि ये रेसिपी अच्छी लगेगी या उसे ऐसे डिशेस पसंद है, आप उसके साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। डू गिव इट अ ट्राई टू दिस रेसिपी। एंजॉय कुकिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।